हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है। आज हर जगह बस कोरोना का डर भरा हुआ है, कोविड-19 डिसीज़ का डर भरा हुआ है। हर आदमी बस डर रहा है कि कोरोना वायरस क्या है, लेकिन डरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डरने के साथ साथ अगर आप बचना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं, कि हमें कोरोना वायरस यानी कोविड-19 डिसीज़ होना, हम किसी के संक्रमित में व्यक्ति से मिलेंगे या संक्रमित जगह पर जाएंगे तभी हमें कोरोना वायरस होगा। अभी तक विश्व भर में 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर भारत के आंकड़े देखे जाएं तो 426 लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो धीरे धीरे जो रेशो है मरने वालों का और जो संक्रमित लोगों का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने जो सभी जगह लॉकडाउन कर दिया है, और ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, बहुत ज़रूरी है। यदि जो चाइना में जो स्थिति हुई, इटली में जो स्थिति हुई और जर्मनी में जो स्थिति हुई और जो हो रही है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। अभी तक के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इटली में, जर्मनी में और फ्रांस में, और चाइना की जो स्थिति है अभी काफ़ी सुधरने को आ गई है, क्योंकि उसने जो लॉकडाउन किया, जो वुहान शहर को लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा काम किया उसने। क्योंकि यदि वो लॉकडाउन नहीं करता वुहान शहर को, तो ये पूरे चीन में ये फैल जाता। लेकिन कुछ लोग इसको भी हंसी में ले रहे हैं, कुछ नहीं है कोरोना, क्या नहीं है कोरोना। अरे भाई, जिसको होता है वो समझ पाता है कि कोरोना क्या होता है। चीन में जो हालत हुई है वो कहीं पर भी नहीं हुई है। अब इटली की बारी आ गई, इटली में बहुत ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, जर्मनी में केसेस देखे जा रहे हैं। भाई, जो मर रहा है, जिस व्यक्ति जो मर रहा है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, उस व्यक्ति से पूछो, उसके घर वालों से पूछो, और जो डॉक्टर्स, जो नर्स, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, नगर निगम के जो स्टाफ लगा हुआ है, पूरी आर्मी लगी हुई है, पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनसे पूछो कि क्या होती है जनसेवा। आज से पहले आप गवर्नमेंट पर गाली बकते थे, उनसे बुरा भला बोलते थे कि गवर्नमेंट मक्कारी करती है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। आज क्यों जा रहे हैं आप, क्यों उनको गाली नहीं बक रहे हैं आप, बताइए मुझे। अरे भाई, गवर्नमेंट जो सेवाएं दे रही है, आप प्राइवेट सेक्टर से सेवाएं नहीं ले पाएंगे आप। और लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो आपको कोरोना वायरस होगा ही नहीं, संक्रमित हो गए ही नहीं आप। आप गवर्नमेंट के फैसले को नहीं मान पा रहे हैं। अरे आप, ये कुछ पोस्ट देखी मैंने कि हम लॉकडाउन हो जाएंगे घर में से नहीं। लॉकडाउन का मतलब क्या समझते हो आप, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब होता है आप घर में से ना निकलें, केवल घर में रहें, केवल राशन की दुकानें खुली रहेंगी, दूध डेयरी खुली रहेंगी, डॉक्टर्स की दुकान खुली रहेंगी, मेडिकल की दुकान खुली रहेंगी, और जो किराने परचून की जो दुकानें होती हैं वो खुली रहेंगी, ना कि ये सारी दुकानें खुली रहेंगी, बस ये दुकानें खुली रहेंगी, ना कि जूता चप्पल की, ब्यूटी पार्लर की, इसकी उसकी किसी चीज़ की दुकानें नहीं खुली रहेंगी। और आप बस घर पर रहें, जब किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, आप मिलेंगे नहीं, तो आपको कोरोना वायरस कहाँ से होगा? कोरोना वायरस कैसे फैलता है? आपको कोरोना वायरस है, मुझे कोरोना वायरस है, मान लीजिए मुझे ही कोरोना वायरस है, और मैं किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मैं, मुझे पता है या नहीं है पता, मैं नहीं जानता हूँ, वो जो ट्रेन में बैठे वो ट्रेन वाले पूरे लोग संक्रमित हुए, मैं बस से आया पूरे बस वाले संक्रमित हुए, फिर मैं ऑटो में बैठा, ऑटो वाले पूरे संक्रमित हुए या ऑटो संक्रमित हो गए, जिसमें जो बैठेगा वो संक्रमित होगा, मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा वो संक्रमित हुआ, घर आया घर पर भाई आपको पता है कि मैं ना बाहर से आया हूँ, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, या फिर अलग आइसोलेशन में रहना चाहिए, सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहिए आपके लिए। भाई, आप जागरूक हो, समझदार हो, फिर भी ये हरकतें। और कुछ लोगों का तो ये कहना, लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारे बच्चे खाएंगे कहाँ से, हम कहाँ से खाएंगे, कमाएंगे कैसे, हम तो वैसे ही मर जाएंगे लॉकडाउन। अरे भाई, घर में किसी की मौत होती है, या जिस उससे पूछो ना जो कोरोना वायरस से मर रहा है, एक व्यक्ति अगर मर रहा है ना, उसके घर वाले उसको देखने नहीं जा रहे हैं, उससे मिल नहीं पा रहे हैं, उससे एक एक दिन की छोड़ो आप बात,
पंद्रह पंद्रह दिन घर से कमाने नहीं जा रहे हैं, और यदि किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप क्या आठ दिन दस दिन कमाने जाते हैं डेली? मर जाओगे फिर कहाँ से कमाने जाओगे? अरे अपना दिमाग भी तो लगाओ भाई, मेरे चार बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे भूखे? जब कोई मर जाए तुम ही मर जाओगे, फिर नहीं मरेगा कोई भूखा, फिर कौन आएगा आपको देने के लिए? अरे भाई कोई भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सोचो, गवर्नमेंट क्यों कह रही है आपके लिए लॉकडाउन के लिए, कि आप इस चीज़ के समझने की कोशिश तो करो। सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों से मत मिलो, कुछ ज़रूरी नहीं है। यदि आप दो दिन नहीं मिलोगे तो आपका क्या हो जाएगा? पार्टी कर रहे हो आप, लो चार लोगों से मिल रहे हो, क्या आपको पता है आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो के नहीं? आपने क्या टेस्ट कराया अभी तक कोरोना वायरस का? लेकिन आप चार लोगों से मिल रहे हो, आप बोल रहे हैं मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है। आपका इम्यूनिटी पावर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके साथ जो चार लोग और हैं उनका थोड़ी ना अच्छा है, उनको भी तो आप संक्रमित कर सकते हो। तो भाई ये जो लॉकडाउन है वो उसका पालन करो, आप गवर्नमेंट का पालन करो, देखो आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये स्थिति जो चाइना में हुई, अगर इंडिया में भारत में ये स्थिति हो जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि चाइना में और इटली तो संभाल नहीं पा रहा है। इटली की हालत क्या है आप समझ रहे हो? जो मेडिकल तरीके से देखी जाए तो दूसरे नंबर पे आती है हॉस्पिटलाइज में, मेडिकल फील्ड में इटली, और उसकी हालत इतनी बेकार है कि आज कोई संभालने वाला नहीं है वहाँ पर। मरने वालों की संख्या इतनी पहुँच गई है, संक्रमित लोगों की संख्या इतनी पहुँच गई है। आप हंसी में ले रहे हैं हर चीज़ को, समझो उस चीज़ के लिए कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है आप सभी लोगों से, अभी जो भारत दूसरे नंबर पर है, दूसरे स्टेज पर है ये कोरोना वायरस के संक्रमण से, मैं नहीं चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पर जाए, बल्कि आप भी नहीं चाहते हो, लेकिन कुछ लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं इसको, दिमाग में कुछ और समझ रहे हैं कि भाई ये किसी और चीज़ के लिए फैलाया जा रहा है। ये समझ में, मुझे समझ में नहीं आता क्या है ये। तो आप सभी लोगों से बस मेरा से इतना निवेदन है, जो गवर्नमेंट बोल रही है उस पर ध्यान दीजिए आप, और यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं, और यदि उससे भी ज़्यादा आप तीन से चार दिन बिल्कुल के बाद स्वस्थ नहीं होते हो तो आप बिल्कुल आप एडमिट हो जाइए, आप टेस्ट कराइए कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं कि नहीं। और यदि आपको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो आप बिल्कुल घर वालों से दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है। किसी दोस्त से ना मिलें, रिश्तेदारों से ना मिलें, मिलने वालों से ना मिलें, और घर वालों से भी दूर रहें, क्योंकि जितना आप लोगों से दूर रहेंगे उतनी ही जल्दी ये कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं। बस इतना ही कहना था, लॉकडाउन का ज़रूर विशेष ध्यान रखें, गवर्नमेंट की बात माने आप, सभी लोगों को एक दूसरे से दूर रहें, घर में रुकें, बस मेन चीज़ है आपको घर में रुकना। घर में रुकेंगे तो आपको कोई भी कोरोना वायरस नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।